इवनिंग, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे मेंस्ट्रुएशन की एक्सरसाइज 11.2। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 11.2 एक्सरसाइज के जितने एग्जांपल्स थे वो करवा दिए थे। आज हम इसके करेंगे अनसोल्व क्वेश्चंस। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इस पूरी एक्सरसाइज में दो तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके। एक तो ट्रेपेजियम के आएंगे, ट्रेपेजियम का एरिया निकालना आपसे पूछा जाएगा, और एक रोम्बस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और रोम्बस का एरिया मैंने आपको बताया था क्या होता है, दोनों डायगोनल की मल्टीप्लाई करके और 2 से क्या कर देते हो, डिवाइड कर देते हो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल। जैसे ये टेबल है आपके घर में, मेज होती है, उसका जो टॉप का हिस्सा होता है, जो मान लो ग्लास का है या लकड़ी का है, उसका जो ये टॉप सरफेस है ना, वैसे तो नॉर्मली क्या होता है, रेक्टेंगल या स्क्वेयर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो ट्रेपेजियम की शेप का है। और ये ट्रेपेजियम की शेप का है, आपको इसका एरिया निकालना है। पैरेलल साइड्स कितनी है, एक 1 मीटर है, एक 1.2 मीटर है। देखो ये 1 मीटर है, ये पूरी कितनी आपकी 1.2 मीटर है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, यहाँ पे देम का मतलब क्या है, पैरेलल साइड्स, यानी कि ये जो दो पैरेलल साइड्स है इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कितनी है, 0.8। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं, ठीक है। तो आपको हाइट दे रखी है, तो बस एरिया निकालना है। एरिया का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ट्रेपेजियम का। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बता दो आप मेरे को, हाफ, बार बार फॉर्मूला लिखा करो, दोनों पैरेलल साइड्स का क्या होता है, सम, यानी कि सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और इंटू में क्या होती है, हाइट, इंटू में क्या होती है, हाइट होती है आपकी। तो आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो सारी और आपका आंसर आ जाएगा। देखो 1/2 इंटू पैरेलल साइड्स, एक कितनी है, वन, एक कितनी है, 1.2, 1 + 1.2, और इंटू में हाइट, हाइट कितनी है आपकी, 0.8। तो सोल्व करो इसको, 1/2 इंटू, अच्छा बताओ 1 + 1.2 क्या होता है, 2.2 हो जाएगा, और ये कितनी आपकी, 0.2। अब अगर आपको क्वेश्चन आसान बनाना है ना, तो मैं कहता हूँ ये पॉइंट है ना, आप हटा दिया करो क्वेश्चन से। इसको क्या लिख दो, 22/10, और इसको क्या लिख दो, 8/10 लिख दो। अब आप क्या करो, आप इस 2 को कैंसिल कर दो इस 4 से, कितना आ गया आपका बता दो, 22 × 4 88, और नीचे कितना आ गया, 100। अच्छा 88 को 100 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 0.88, 0.88, और ये क्या है, मीटर, मीटर स्क्वेयर। और यही आपके इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन होता है भाई, 88/100 को मैंने कैसे लिख दिया, देखो डिनोमिनेटर में कितनी जीरो है आप बताओ, 1, 2, तो 88 लिख दो, पीछे से स्टार्ट कर दो काउंट करना डिजिट को, 1, 2, जितनी जीरो होती है वहां तक काउंट करके, और फिर क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, और 0.88 लिख दो या 0.88 लिख दो, दोनों का एक ही मतलब होता है। यहाँ पे कितनी भी जीरो लगा दो उसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, एक ही मतलब है सबका। तो ये आपके इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन, ये आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं। द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज दिस, एक ट्रेपेजियम की आप शेप बना लिया करो, उससे क्या है, क्वेश्चन आसान हो जाता है आपके लिए। आप ट्रेपेजियम की शेप बनाना सीख लो ऐसे, ये नाम दे दो इसको ABCD। इसका एरिया अपने को क्वेश्चन में दे रखा है, लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स। देखो दो पैरेलल साइड्स होती है, 1, 2, इनमें से एक की लेंथ आपको कितनी दे रखी है, 10। आपको ये डरने की जरूरत नहीं है कि 10 इसको लिखें या इसको लिखें, किसी को लिख देना, ठीक है, उससे आंसर पे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा आपको हाइट दे रखी है कितनी, 4। हाइट कौन सी होती है बता दो आप मेरे को, हाइट ये होती है, हाइट इज इक्वल टू 4, ये आपकी हाइट है। और फिर आपको निकालना क्या है, फाइंड दी लेंथ ऑफ दी अदर पैरेलल साइड, जो ये बच गई ना, इसको क्या मान लो आप एक्स, और एक्स आपको निकालना है। आप तो बस एरिया का फॉर्मूला बता दो, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और इंटू में क्या होता है, हाइट, इंटू में हाइट। एरिया की वैल्यू कितनी है, जहाँ जैसे जैसे वैल्यू की बनाना लिखते जाओ, एरिया के नीचे कितना लिख दो बताओ, 34 लिख दो। 1/2 पैरेलल साइड्स का सम, एक 10 है और एक x है, तो दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 10 + x आ जाएगा, इंटू हाइट, हाइट कितनी है बता दो, 4। अब आप क्या करो, या तो इसको 4 को काट लो, ये नीचे ये ऊपर है ना, 2 कट गया, तो क्या बच गया आपका, 2 × 10 + x इज इक्वल टू 34। ये 2 को नीचे ले जाओ, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई है ना, उधर आके क्या होएगा आपका, डिवाइड होएगा, तो कितना आ गया आपका, 17। तो यानी 10 + x 17, तो x कितना आएगा, इस प्लस के 10 को उधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा, x कितना आ गया, 7। तो यानी कि सेकंड पैरेलल साइड जो हमारी आ गई वो कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो बस आपको एरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए और आपको छोटी छोटी कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएंगे। अब ये देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, डायग्राम भी बना के दे रखा है। द लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड
ए बी सी डी इज 120 मीटर। देखो यहाँ तक पढ़ो, इसमें कहता है द लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड, मतलब आपका एक खेत है उसकी जो शेप है वो किस शेप की है, वो ट्रेपेजियम की एक शेप है। लेंथ ऑफ द फेंस, फेंस का मतलब होता है इसकी चारों तरफ की बाउंड्री। जैसे मान लो आपके खेत में कोई गाय या कोई और जानवर घुसने के डर से हम खेत के चारों ओर क्या दिखा देते हैं, लोहे की वायरिंग कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फेंस बोलते हैं। इसकी टोटल लेंथ, टोटल का मतलब इन चारों साइड का आपको क्या दे रखा है बताओ मेरे को, सम दे रखा है कितना, 120। आप ये मान लो ये चार बच्चे हैं और इन चारों के पास मिला के कितने रुपए हैं, 120 रुपीज़ है। इफ बी सी 48, अब देख लो बी सी कौन सी है, ये रही, इसको लिख दो आप क्या 48, और सी डी, सी डी कौन सी है, ये है आपकी 17, ये मीटर में है मीटर, और ए डी कितनी है 40, ए डी ये रही 40। आपको निकालनी क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, आपको इस फील्ड का एरिया निकालना है। देखो ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का एरिया सबको पता है क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट। इस क्वेश्चन में आप मेरे को ये बता दो किस चीज़ की कमी है, पैरेलल साइड तो दोनों गिवन है ही अपने को, मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, लेकिन हाइट मेरे को चाहिए, लेकिन हाइट तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। हाइट कौन सी होती है, ये जो बिल्कुल सीधी होती है ना स्ट्रेट, वो हाइट होती है, और ये देखो 90 डिग्री का साइन होता है, इसका मतलब ये साइड क्या है अपनी, हाइट है। अब आप मेरे को बता दो ये हाइट तो क्वेश्चन में तो नहीं गिवन है, हम कैसे निकालें। आपको चारों साइड का टोटल दे रखा है कितना, 120, और उनमें से तीन साइड आपको बता दी, तो बताओ कि आप फोर्थ साइड नहीं निकाल सकते भाई। आपको कोई ये कह दे कि चार बच्चे हैं, चारों के पास मिला के 120 रुपीज़ है, और उनमें से तीन के पास आपको बता दिया जाए, तो बताओ फोर्थ के पास कितना होगा, तो यहाँ फोर्थ के पास कितना हो जाएगा, इस पूरे 120 में से आप माइनस कर दो ये वाली 48, ये वाली 17 और ये वाली 40, यानी कि तीनों चीज़ों को माइनस कर दो, तो ये तीनों माइनस ये कितनी होगी 48 और 40 88, और ये कितनी आ गई आपकी 105, यानी कि 105 को माइनस कर दो, बाकी कितनी बच गई आपकी 15, तो 15 मीटर इस क्वेश्चन में क्या आ गई आपकी हाइट आ गई, ठीक है। तो ये हाइट निकालनी इंपॉर्टेंट थी, बस अब तो वैल्यू पुट कर दो आप, 1/2 सम इन दोनों पैरेलल साइड का सम बताओ कितना होगा, 40 प्लस में 48 और इनटू हाइट, हाइट कितनी है 15। अब इसको क्वेश्चन को बस क्या कर लो आप, सोल्व कर लो, देखो 40 और 48 का सम कितना होता है 88, और 88 को आप 2 से क्या कर दो, कैंसिल कर दो 44 पे, आंसर कितना आ गया अपना 44 × 15, 44 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे 660 आएगा, और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो आपको बस इस पूरे ट्रेपेजियम का क्या निकालना था, एरिया निकालना था, ये मैंने एरिया निकाल दिया। इसमें नई बात क्या थी, अपने को चारों साइड का सम दे दिया, हाइट नहीं दी, तो तीन साइड देके चारों साइड का सम भी दे रखा है, तो मैं ये हाइट की वैल्यू निकाल सकता हूँ, वो मैंने पहले वैल्यू निकाल ली, फिर उसके बाद एरिया का फॉर्मूला मेरे को पता ही था, तो ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम कैसे निकालते हैं, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड। अब की बार आपका जो खेत है ना वो इस शेप का है क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है, उसका डायगोनल कितना दे रखा है आपको बताओ 24, एंड द परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड ऑन इट, यानी कि इस डायगोनल के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं, देखो एक तो ये वाला और एक ये वाला, इनकी लेंथ कितनी है बता दो, 8 मीटर और 13 मीटर है। आपको निकालना क्या है, एरिया। आप मेरे को बस ये बता दो कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता था, एरिया क्वाड्रिलेटरल का, ये फोर्थ क्वेश्चन मैं सोल्व करा रहा हूँ आपको, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 जो डायगनल है, डायगनल कितना है बता दो 24, ये लिख दो, इनटू में जो दोनों ये परपेंडिकुलर है ना इनकी डिस्टेंस का सम, यानी कि 13 प्लस में 8। अब आप इसको बस थोड़ा सा क्या कर लो, सोल्व कर लो, देखो 1/2 × 24 इंटू 13 और 8 कितना होता है 21 होता है। अब आप इसको जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो, 2 की टेबल में ये 12 पे कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 12 × 21, 21 को 12 से मल्टीप्लाई करना सब बच्चों को आता है, 21 × 2 = 42, 21 और 252, 252 मीटर स्क्वेयर, इस क्वेश्चन का आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। सिर्फ फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसका सॉल्यूशन मैं आपको करवा रहा हूँ, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। द डायगनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। आपको क्या निकालना है, एरिया। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब भी क्वेश्चन में ये पीछे 0.5 आ जाए ना, तो आप ये सोचा करो कि इसका डबल क्या होता है, 7.5 का डबल क्या होता है 15, और 15 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, दोबारा 7.5 आ जाएगा, ठीक है। या तो ऐसे कर लिया करो, या 75/10 लिख दिया करो, इसको 5 पे काटोगे फिर भी वही आना है, ठीक है, लेकिन आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 7.5 जो है वो 15 का हाफ होता है। तो एरिया का फॉर्मूला बता दो रोम्बस का क्या होता है, आप बताओ,
एरिया होता है डी वन इंटू डी टू डिवाइड बाई टू, दोनों डायगनल की मल्टीप्लाई करके टू से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। एक डायगनल कितना 7.5, दूसरा कितना 12, नीचे कितना 2। मैंने अभी बताया आपको कि इस 2 से तो काट दो, इस 2 से इसको काट दो, 6 पे कट रहा है ना, तो आपका आंसर कितना आ गया 7.5 इंटू 6। और 7.5 को आप क्या लिख दो 15 बाई 2 इंटू 6, तो 15 बाई 2 देखो ये कट जाएगा, 2 पे 2 3 जा, आंसर कितना आ गया 15 इंटू 3 यानी कि 45। और सेंटीमीटर में है तो एरिया किस में आएगा आपका, सेंटीमीटर स्क्वेयर के अंदर आ जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले 5 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं एक्सरसाइज 11.2 के। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको रिमेनिंग जो 2 क्वेश्चन रह गए वो सोल्व कराऊंगा, और 3D शेप्स की जो क्यूब है, क्यूबॉइड है और सिलेंडर है, उसकी सरफेस एरिया, उसका टोटल सरफेस एरिया और उसकी वॉल्यूम, सब कुछ हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि उसके बाद आपकी थर्ड और फोर्थ एक्सरसाइज जो है वो उसी के ऊपर बेस्ड होगी। सब मैं आपको फॉर्मूले समझाऊंगा, एग्जाम्पल दूंगा अच्छे से, तो उसके बाद आपको थर्ड फोर्थ एक्सरसाइज सोल्व करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।